हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षा का परिणाम जून के दूसरे सप्ताह में जारी होगा। इसके लिए बोर्ड ने कमर कस ली है। यह आपको बता दें कि सीबीएसई की परीक्षाओं के समाप्त होने से पहले ही हरियाणा बोर्ड तो 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम निकाल भी देगा। हरियाणा के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें ज्यादा दिनों तक रिजल्ट आने के इंतजार नहीं करने पड़ेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने निर्णय लिया है कि बोर्ड जल्द ही परीक्षा का परिणाम निकाल देगा। 11वीं के अस्थायी दाखिले भी 1 मई से हो सकेंगे। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार बोर्ड ने 109 सेंटर बनाए हैं, जहां पर बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के पेपर की चेकिंग होगी। इस चेकिंग के लिए इस बार बोर्ड ने प्रदेश भर में 109 सेंटर बनाए हैं। चेयरमैन ने बताया कि 10वीं की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, जबकि 12वीं की परीक्षा 27 को समाप्त होगी। 28 को केवल वही परीक्षा होगी जहां किसी कारणवश परीक्षा रद्द की गई थी। चेयरमैन ने बताया कि इस बार सीबीएसई की परीक्षा अभी चल रही होगी, लेकिन हरियाणा बोर्ड रिजल्ट निकाल देगा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार बोर्ड ने अध्यापकों से निवेदन किया है कि वे 30 से ज्यादा बार इस बार कॉपी चेक करें, क्योंकि इस बार परीक्षा में सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा थे। उन्होंने बताया कि इस बार 70 10वीं के तो 39 12वीं के मार्किंग केंद्र बनाए गए हैं। कुल 109 मार्किंग केंद्रों पर पेपर चेक होंगे। उन्होंने बताया कि सही समय पर रिजल्ट घोषित होने के बाद विद्यार्थियों को अगले सत्र के लिए पूरा समय मिलेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से प्रारंभ होकर के और 27 अप्रैल तक रखी गई थी। 27 अप्रैल को फिजिकल की आखिरी परीक्षा है, लेकिन जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, किसी स्थान पर अनियमितता पाई गई या परीक्षा की शुचिता भंग हुई, उन सब की परीक्षा ऐसे लगभग 20 के आसपास परीक्षा केंद्र हैं, 28 तारीख को प्रत्येक जिला केंद्र पर ये संपन्न होगी। इसी प्रकार 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक चली, और जिन विद्यार्थियों की अनियमितताएं पाई गई थी उन ऐसे 34 परीक्षा केंद्रों की, जिसमें 438 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी 34 परीक्षा केंद्रों पर, उनकी 22 तारीख को हम ले चुके हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कि वे जल्दी से रिजल्ट भी आ जाए और मार्किंग भी हो जाए, तो प्रत्येक 10वीं और 12वीं की मार्किंग 70 10वीं के परीक्षा केंद्र मार्किंग सेंटर बनाए गए हैं और 39 12वीं के बनाए गए हैं, 109 मार्किंग सेंटर बनाए गए पूरे हरियाणा भर में प्रत्येक जिले में। तो 28 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 18 वर्किंग डेज में प्रयास है हम पूरी कर देंगे मार्किंग। और अध्यापकों से भी निवेदन किया है कि भाई 30 की बजाय, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप थे, ज्यादा कापियां चेक की जा सकती हैं, तो 40-50 तक जिस भी सब्जेक्ट की हैं, कुछ होम साइंस की हैं, कंप्यूटर की हैं, और कल जो परीक्षा हुई थी वो 30 ही अंक की थी, आर्ट्स की जो कुछ परीक्षा, तो ज्यादा मार्किंग की जा सकती है, तो जो अध्यापक ज्यादा करना चाहें वो कर लें। परिणाम कब तक संभावित है? जून के दूसरे सप्ताह में परीक्षा परिणाम बोर्ड घोषित करेगा। यानी सीबीएसई की जब तक परीक्षाएं चलती रहेंगी उस वक्त हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिणाम जारी कर देगा सर? जी, क्योंकि सीबीएसई की परीक्षाएं तो जून के अंत तक जाने वाली हैं और हम जून के दूसरे सप्ताह तक परीक्षा परिणाम घोषित भी कर देंगे, और ये विद्यार्थियों की सुविधा के लिए भी है और उनका ज्यादा आगे वर्ष के लिए अगले वर्किंग डे पूरे मिल जाए, इस कारण से ये सारा प्रयास जल्दी किया जाएगा। और दूसरा, विद्यालय 1 तारीख से 10वीं के जो विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं प्रोविजनल एडमिशन अपने अपने स्कूलों में दे सकते हैं। भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।